हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे बहुत ही पावरफुल टेक्निक जो फोकस बढ़ाने के लिए और अपनी टाइम प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए यूज़ की जाती है। इसे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। और आज के लेक्चर में मैं एक और टेक्निक इसी से मिलती जुलती है, दैट इज़ कॉल्ड टाइम बॉक्सिंग। तो ये दो टेक्निक आज के इस लेसन में हम सीखेंगे। पोमोडोरो काफ़ी पुरानी टेक्निक है और काफ़ी सारे लोग जो मैनेजमेंट में, प्रोडक्टिविटी में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में और इवन लर्निंग में इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। पोमोडोरो टेक्निक के स्टेप्स देख लीजिए ज़रा, क्या है स्टेप नंबर वन है चूज द टास्क। स्टेप नंबर वन है पहले टास्क चूज कर लीजिए जो टास्क आप करना चाहते हैं पोमोडोरो टेक्निक से। तो फर्स्ट थिंग इज चूज द टास्क, कौन सा टास्क है जो आप करना चाहते हैं फोकस्ड रह करके। तो जैसे ही आपने टास्क चूज किया उसके बाद में सेकंड स्टेप आप करेंगे सेट अ टाइमर ऑफ 25 मिनट। 25 मिनट का आप टाइमर या तो ऐप यूज करेंगे या फिर अपने फोन में टाइमर लगा देंगे। तो जो भी फोकस्ड एक्टिविटी आपको करनी है उस फोकस्ड एक्टिविटी के लिए आप 25 मिनट का टाइमर सेट करेंगे कि वो एक्टिविटी आपको 25 मिनट तक करनी है। और जैसे ही देखिए फोकस 25 मिनट टास्क, ये जो टाइमर लगाया आपने स्टेप नंबर थ्री, उस टाइम तक, उस 25 मिनट के विंडो तक आप उस फोकस्ड एक्टिविटी को करेंगे, चाहे वो रीडिंग है, चाहे वो राइटिंग है, चाहे वो प्रोजेक्ट आपको मैनेज करना है, व्हाटएवर इट इज। सो फर्स्ट चूज अ टास्क, सेकंड सेट अ टाइमर, थर्ड जब तक वो टाइमर ऑन नहीं होता है तब तक आपको उसके अंदर काम करना है फोकस्ड एक्टिविटी में, और लास्ट है 5 मिनट रिचार्ज। 25 मिनट के बाद में आपको 5 मिनट अपने आप को रिलैक्स करना है और रिचार्ज करना है कंप्लीटली डिफरेंट एक्टिविटी में। आप ब्रीदिंग कर सकते हैं, आप थोड़ा सा मूवमेंट कर सकते हैं, मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको ऑलरेडी बताया। 5 मिनट में आप 4-5 राउंड X4X and 2X वाले लगा सकते हैं जिससे कि आप रिचार्ज हो जाएंगे। दोस्तों इसे कहा जाता है अटेंशन रिस्टोरेशन। मनोविज्ञान ये बताता है कि आपकी जो अटेंशन है वो एवरी 25 मिनट डिक्लाइन होने लगती है, वो डाउन होने लगती है। हमने पहले ही सीख लिया है फोकस एक मसल की तरह काम करती है, और जिस तरीके से मसल को अगर आप कंटिन्यूअसली यूज करेंगे तो वो थकने लगती है, उसी तरीके से आपका जो अटेंशन स्पैन है, आपका जो फोकस मसल है, वो भी आफ्टर एवरी 20 मिनट्स डिक्लाइन होने लगता है। और ये हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है, बट इन जनरल आफ्टर एवरी 20 सेकेंड डिप इसमें आने लगती है, थोड़ा डाउन होने लगता है। तो अगर आप पोमोडोरो टेक्निक को यूज करेंगे और 25 मिनट के अलार्म लगा लेंगे, 25 मिनट्स के अलार्म आप लगा लेंगे, तो 25 मिनट का फोकस वर्क, जैसे ही अलार्म बजा आप 5 मिनट कुछ भी रैंडम एक्टिविटी कीजिए, रैंडम एक्टिविटी करके उसके बाद में फिर से आप 25 मिनट तक टास्क करेंगे, और ऐसी फोर साइकिल्स इसकी आप करेंगे, यानी कि 25 मिनट 5 मिनट रेस्ट, 25 मिनट फोकस वर्क 5 मिनट रेस्ट, 25 मिनट फोकस वर्क 5 मिनट रेस्ट, 25 मिनट फोकस वर्क, ये 4 साइकिल आपको कर लेनी है। और ये 4 साइकिल फिनिश होने के बाद आप 20 मिनट का ब्रेक लेंगे। वंस यू फिनिश दिस 4 साइकिल्स अब आप 20 मिनट के लिए रिलैक्स करेंगे। तो ये पाया गया है कि जब भी इंसान इस तरीके से वर्क करता है तो एवरी 25 मिनट जब उसका अटेंशन स्पैन डिक्लाइन होने लग रहा है उस टाइम पे उसको अटेंशन रिस्टोरेशन मिलता है, रिचार्ज मिलता है। वो ब्रीदिंग कर सकते हो, आप वॉक कर सकते हो, थोड़ा सा म्यूजिक सुन सकते हो, तो कुछ एक दो पुशअप्स आप कर सकते हो, डू इट एनीथिंग दैट यू लाइक, मगर ऐसी एक्टिविटी जो कम्प्लीटली डिफरेंट हो, अलग हो जो आप कर रहे हो उससे। तो विद इन 5 मिनट यू विल रिचार्ज योरसेल्फ एंड देन यू कैन अगेन स्टार्ट योर फोकस्ड वर्क। तो दोस्तों ये रही पोमोडोरो टेक्निक कि किस प्रिंसिपल पे काम करती है, नेट हमारी जो अटेंशन है वो डिक्लाइन होने लगती है थोड़े समय में, और अटेंशन रिस्टोरेशन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। एक और टेक्निक जो बहुत ही प्रोडक्टिविटी की दुनिया में काफी फेमस है, इसे कहते हैं टाइम बॉक्सिंग। टाइम बॉक्सिंग क्या तरीका है, स्टेप नंबर वन चूज योर टास्क, आपका क्या टास्क है आप वो चूज कर लीजिए, और स्टेप नंबर टू क्या है चूज योर टाइम। यानी कि टाइम बॉक्सिंग का मतलब यह है कि आप
दिन का कोई एक टाइम निश्चित कर लेते हो जो जीरो डिस्ट्रैक्शन वाला टाइम होगा और आपके इंपॉर्टेंट टास्क आप उस पर्टिकुलर टाइम में करेंगे। तो सपोज आपने एक टाइम ब्लॉक कर दिया अपने लिए, सपोज आपने टाइम ब्लॉक किया 5 PM to 7 PM, तो ये जो टाइम आपका ब्लॉक हो गया ये जीरो डिस्ट्रैक्शन टाइम है। इस टाइम पे आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, सबको पहले से ही बता देंगे कि ये 5 to 7 टाइम जो है ये मेरा फोकस ब्लॉकिंग टाइम है, इस टाइम पे मैं सिर्फ फोकस एक्टिविटी करता हूँ, इसलिए कोई भी एक्सटर्नल इंटरप्शन या फिर कोई भी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस मुझे इस टाइम पे नहीं चाहिए। दोस्तों बहुत से लोग एंशियंट टाइम पे, पूजा के टाइम पे या कोई ज्योति या आरती के टाइम पे, इस ऐसे समयों पे या कोई मौन व्रत करते थे, ऐसे समयों पे बिल्कुल ये टाइम बॉक्सिंग का रूल ही इस्तेमाल करते थे जहां उन्हें कोई जाके डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो आप अपनी फोकस ब्लॉकिंग, इसको कह सकते हैं टाइम बॉक्सिंग भी कह सकते हैं, फोकस ब्लॉकिंग भी कह सकते हैं, कि आप हर रोज या फिर हफ्ते में एक बार आपने ऐसा टाइम ब्लॉक कर दिया जिस टाइम पे नोबडी हैज राइट टू डिस्टर्ब यू, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आप अपना फोन अपने आप से दूर रख देंगे, साइलेंट मोड पे रख देंगे, कोई नोटिफिकेशन नहीं रहेगा उस पर्टिकुलर टाइम पे, और आप सबको बोल देंगे कि कोई भी सेंसरी स्टिमुलेशन नहीं करेगा और किसी तरीके का डिस्टर्बेंस कोई आपको नहीं दे सकता उस पर्टिकुलर टाइम पे जो आपने बॉक्स कर लिया है। तो ये वीकली ऐसा एक या दो पीरियड भी आप रख सकते हैं, कुछ लोग हैं जो डेली भी रखते हैं, तो डेली टाइम भी आप टाइम बॉक्सिंग में रख सकते हैं। तो दोस्तों ये दो टेक्निक रही अपने फोकस को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। फर्स्ट पोमोडोरो टेक्निक, चूज योर टास्क, 25 मिनट फोकस टास्क, देन 5 मिनट रिलैक्स एक्टिविटी, ऐसा 4 साइकिल करने के बाद आप 20 मिनट के लिए रिलैक्स करेंगे तो अटेंशन रिस्टोरेशन होगा और जिसकी वजह से आपका फोकस डिक्लाइन, आपकी एनर्जी डिक्लाइन नहीं होगी। टाइम बॉक्सिंग में आप टास्क चूज करेंगे, टाइम ब्लॉक कर देंगे, उस टाइम पे जीरो इंटरप्शन पॉलिसी आपकी हो जाएगी, नोबडी कैन डिस्टर्ब यू इन दैट टाइम, मोबाइल दूर हो जाएगा, पहले से ही आपके सर्कल कंसर्न में आपको पता होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि ये आपका फोकस टाइम है, नोबडी कैन डिस्टर्ब यू। तो दोस्तों ये रही आज की दो टेक्निक, मैं अगली क्लास में फिर से मिलूंगा एक नई टेक्निक के साथ में। मेक श्योर कि आप ये जो टेक्निक सीख रहे हैं, मैं पूरा बुफे ऑफ टेक्निक्स आपको दे रहा हूँ, इसमें से ज़रूरी नहीं कि आपको सारी ही अप्लाई करनी है, मगर आपने 2 to 3 भी अगर चूज करके उसको अप्लाई करना शुरू कर दिया तो एक बहुत ही पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन आप अपनी मेंटल परफॉर्मेंस में, अपने कॉग्निशन में, अपनी क्लैरिटी में, अपने लेवल ऑफ एनर्जी में महसूस करेंगे। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।